पांच ऐसी चीज़ें जिसका अगर आप रिलेशनशिप में हमेशा ख्याल रखते हो तो उस रिलेशनशिप में आपके ब्रेकअप होने के चांसेस कई हद तक ज़्यादा कम हो जाएंगे। जनरली जब लोगों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप होते हैं तो उनको लगता है कि अचानक से मेरे पार्टनर ने चीट कर दिया, धोखा दे दिया या ब्रेकअप कर लिया है, व्हाटएवर। पर उनको ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे के क्या कारण है। रिलेशन के स्टार्टिंग से अनजाने में हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। उन्हीं गलतियों में से कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग से या जब आपको समझ में आए तब उस चीज़ों को करना बंद कर दोगे, उन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो आपके ब्रेकअप होने के चांसेस आप खुद बहुत हद तक कम कर लोगे। सबसे पहली चीज़ वो होती है रिलेशनशिप में आपको बैलेंस का इम्पोर्टेंस समझना होगा। देखिए ये बैलेंस का मतलब ये रियल में एक जेन्यून बैलेंस, ना इस तरफ ज़्यादा ना इस तरफ ज़्यादा। अब हम कौन सी चीज़ में बैलेंस बनाए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है टाइम। टाइम के बारे में कहा जाता है कि किसी भी पर्सन से इतना दूर मत जाओ या उतना कम टाइम मत दो कि वो पर्सन तुम्हें भूल जाए, एंड किसी पर्सन के इतने नज़दीक मत जाओ, उतना ज़्यादा टाइम मत दो कि वो पर्सन तुमसे इरिटेट हो जाए, तुमसे ऊब जाए। तो एक टाइम देने के मामले में, बहुत ज़्यादा केयर करने के मामले में, हाँ आपको केयर करनी पड़ेगी। लाइक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना पड़ेगा, दिल का वो प्यारा वाला भाग तुम्हें दिखाना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा, केयर दिखानी पड़ेगी, पर उसमें भी बैलेंस कि इतना नहीं कि फिर तुम वो कुछ करो ना करो उनसे फर्क ना पड़े, उनसे ऊपर। तो रिलेशनशिप में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट रखती होती है तो वह कि बैलेंस को समझना कि कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है। दूसरी बहुत ही ज़रूरी समझने वाली चीज़ ये होती है कि लाइक इस रिलेशनशिप में ना आप जितना एफर्ट लगा रहे हो उतना ट्राई करो कि तुम्हारा पार्टनर भी एटलीस्ट लगाए, या जो उतना लगा रहा है तुम्हारा पार्टनर उतना तुम लगाओ। अब ये ना बहुत समझने वाली चीज़ है, अदरवाइज चीज़ें ऐसी ख़राब हो जाएगी कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा कॉलेज टाइम पे एक ऐसा दोस्त था जो किसी लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, एंड शायद लास्ट ईयर में उसने उस लड़की के साथ बात करना स्टार्ट किया। तब तक बस यूं ही वो प्यार करता था, पर लास्ट ईयर में उसने स्टार्टिंग से ही, क्योंकि फिर उसको लगा कि यार कॉलेज तो ख़त्म हो जाएगी तो इतना अच्छा मौका है उनसे मिलने का, एंड पहले तो उन्होंने उसके साथ दोस्ती ही बहुत अच्छी स्टार्टिंग चीज़ें चलती रही, एंड एक साल दोनों पूरे साल साथ में रहे, घूमना खाना पीना मूवी देखना, एंड सबको ऐसा लगता था इन दोनों का बहुत ही बढ़िया रिलेशन है, लाइक आप एक्सट्रीमली बता सकते हैं। पर किसी को भी ये पता नहीं था कि उस लड़के ने उस लड़की को प्रपोज नहीं किया था। एक बॉयफ्रेंड की तरह उस लड़के ने उससे बहुत ज़्यादा किया उस लड़की के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें दिखती थी, पर लड़के ने क्या किया, कुछ नहीं। एंड जब कॉलेज ख़त्म होने वाला था, वो आखिरी साल भी ख़त्म होने वाला था, तब लड़का फिर प्रेशर में आ गया और फिर उस टाइम पे उसने प्रपोज किया। पता है लड़के ने उसको बोला कि मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, लाइक मैं तो तुम्हें एक दोस्त समझ, तो आप सोच सकते हो। हाँ ये बात तो ज़्यादा होगी कि वो सब चीज़ें लड़की भी समझ सकती है कि अगर वो लड़का ऐसा नहीं सोचता तो ये सब कुछ क्यों करता। पर एक चीज़ है कि वो ऐसा क्यों कर पाए, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उसने 1% भी उस रिलेशन को बिल्ड करने में या उस लड़के के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाया। ठीक है उस लड़की ने तो वहाँ मना कर दिया, पर आप रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ कमिटेड हो, पर फिर भी उस पर्सन ने कोई एफर्ट नहीं लगाया ना, तो सेम चीज़ें डेफिनेटली होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि तुम जितनी गहराई में उतर रहे हो ना, उस पर्सन को भी उतारना चाहिए। अदरवाइज जब गहराई उनको महसूस होगी कि भाई, तब वो किनारे पे ही खड़े हो गए तो वो भाग जाएंगे, समझ लो, और तुम डूब जाओगे, एंड बहुत सारे लोग ऐसे डूबते हैं। तो ध्यान में रखो कि तुम जितने एफर्ट लगा रहे हो वो पर्सन भी लगाए, अगर नहीं लगा रहा है तो तुम ही इतने लगाओ जितने वो लगा रहा है। तीसरी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक रिलेशनशिप में ना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से पहले आपका एक दोस्त होता है, क्योंकि चीज़ें ना स्टेप बाय आगे जाती है। इससे पहले भी वीडियो में मैंने कई बार इस टॉपिक के बारे में बात की कि बहुत सारे लोग
अपने पार्टनर से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके साथ जो उनका एक रिलेशन होता है ना, वो किस तरह का होता है कि लाइक एक 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 दोस्त के जैसा नहीं होता, बहुत सीरियस वाला, जहाँ पर और चीज़ों के बारे में बात नहीं होती, जहाँ पर और चीज़ें होती नहीं है, पर वो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो आपका बॉयफ्रेंड है, उनके साथ एक फ्रेंड के जैसा रिलेशन बन सकता है। देखिए, अब आपकी एज का आपका कोई दोस्त है, उनके साथ आपके रिलेशन कैसे होंगे, एंड आपके बॉस के साथ आपके रिलेशन कैसे होंगे, या आपके पेरेंट्स के साथ? डेफिनेटली इन सब के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, लेकिन आप अपने दोस्त के साथ ना खुल सकते हो, समझ रहे हो? उनके साथ आप चीज़ों इंजॉय करने जाते हो, उनके साथ आप चीज़ें बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के बता सकते हो, एंड वो पर्सन समझ सकता है, तो वो दोस्ती इस लेवल पे भी क्रिएट हो सकती है। क्योंकि ये ना तो आपके पेरेंट्स है, ना तो आपका बॉस है, ये आपका पार्टनर है। पार्टनर का मतलब होता है, ठीक है, कि पहले वो फ्रेंडशिप का पार्टनर है, फिर वो आपके साथ रिलेशनशिप में है, तो चीज़ें उस तरह की भी होने चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप भी कई बार बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है जब उसमें बहुत ज़्यादा सीरियसनेस आ जाती है, जहाँ पर हर बार चांद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ ऐसे वर्ड आ जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाद में यही सारी चीज़ें ओबन भी क्रिएट करती है। चौथी चीज़, हमेशा अपने पार्टनर को अपना स्टैंड क्लियर कर दो, जो चीज़ें रिलेशनशिप में आपको अच्छी नहीं लगती। देखिए, हर किसी की नज़र से ना चीज़ों का महत्व अलग अलग हो सकता है। लाइक आपके लिए कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, आपके पार्टनर के लिए वो चीज़ बहुत मामूली हो सकती है रिलेशनशिप में। तो कोई भी ऐसी चीज़ है रिलेशनशिप में जो आपको नहीं पसंद, या उनके बारे में आपके जैसे विचार है वैसे रख दीजिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा है कि उनको वो चीज़ रिलेशनशिप में पसंद नहीं होती, पर वो अपने पार्टनर के सामने ना बोलना नहीं चाहते, पर वो लोग अपने पार्टनर को एक्चुअल में उनकी बात मानकर खुश करना चाहते, उनको नाखुश नहीं करना चाहते। पर जो चीज़ रियल में आपको पसंद नहीं है, जिनके बारे में आप बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होते हैं, या आपका जो नज़रिया है कुछ अलग है, तो वो आपको मना कर देना चाहिए, स्टैंड क्लियर कर दो। क्योंकि आज खुश करते जाओगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर आपको वही चीज़ बंधन महसूस होगी, जब आप तब चीज़ों को बदलोगे ना, तो बहुत बुरी फाइट होगी। आज कहोगे तो तुम्हारा पार्टनर एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि जो चीज़ तुम 2 साल से मानते आ रहे हो, 2 साल बाद तुम उसी चीज़ के बारे में कुछ उल्टा कहोगे, तो तुम्हारे पार्टनर को क्या लगेगा? उनको लगेगा कि तुम्हें उनसे प्रॉब्लम है, उस चीज़ से नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि 2 साल से तुम वही तो कर रहे थे जो कह रहे थे, पर तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम्हें स्टार्टिंग से उसी चीज़ के लिए मना करना चाहिए। पाँचवीं चीज़, और सबसे ज़्यादा समझने लायक चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपके पार्टनर को एज अ पर्सन समझने की कोशिश करो। आप अगर किसी पर्सन के साथ अपना रिलेशन हमेशा बेटर और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हो, तो उस पर्सन की आइडियोलॉजी को, उस पर्सन की थिंकिंग की, उस पर्सन के नज़रिए को समझने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है कि किसी भी पर्सन के बारे में ना हम एक आइडेंटिटी बना लेते हैं। किसी के साथ आप 2 साल से हो, तो 2 साल में उन्होंने जो जो चीज़ें की होगी ना, कि उसने कितना सच बोला, कितना जोर, मतलब उस पर्सन ने जैसे भी एक्सपीरियंस तुम्हें दिए, उसके बेस के ऊपर हम एक आइडेंटिटी बनाते हैं। पर ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि हमारे माइंड में हमारे पार्टनर की जैसी हमने आइडेंटिटी बनाई है वो वैसा ही होता है। एंड जब हमारा पार्टनर कुछ भी ऐसा करता है जो हमारी आइडेंटिटी है उसमें नहीं होता, उससे कुछ अलग करता है, तब हमें हर्ट होता है। क्योंकि हमने उनके बारे में ऑलरेडी कोई अलग आइडेंटिटी बनाई है, पर हमारा पार्टनर कुछ अलग है, तो हमें जस्ट ऑब्जर्व करना होता है कि वो कैसे रिलेशन में रहता है, उनके क्या बिलीव्स है, क्या आइडियोलॉजी है, क्या थिंकिंग है। चीज़ों को जस्ट ऑब्जर्व करो अपने पार्टनर की, एंड तुम्हें धीरे 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 वो पर्सन बेटर ही समझ में आएगा कि हाँ कब कहाँ पर वो कैसी चीज़ें करता है। तो ये थी वो 5 चीज़ें जो आपके रिलेशन में ब्रेकअप होने के चांसेस को बहुत ही ज़्यादा कम कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ऐसा वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।